S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं S7 न्यूज। 2019 का यह महासंग्राम जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी तो एक और कांग्रेस और भी कई अपक्ष उम्मीदवार सामने हैं, ऐसे में जो लड़ाई यहां पर हो रही है हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन पाटिल जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या माहौल बना हुआ है पूरे देश में? कांग्रेस का ही माहौल है हर जगह। भिवंडी में तो ऐसा पोजिशन है कि ये जो टेक्सटाइल उद्योग है ये बहुत खराब पोजिशन में चल रहा है। लगभग 35% लोग भिवंडी में चल रहा है, तो इसी वजह से लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव आएगा ऐसा मेरे को लगता है। सर, विकास को लेकर के जो यहाँ पर इस समय जो विकास को लेकर भिमोरा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना वही संकेत दिखा रही है और कांग्रेस, इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या सच्चाई है कि इन्होंने ये काम किया है या पूरे शहर में मिलकर ये काम हुआ, क्या कर कांग्रेस के विकास का? कांग्रेस शहर में काम कर रही है, कांग्रेस को शहर में काम करने ये सरकार दे नहीं रही है। बीजेपी के लोग कांग्रेस के खिलाफ दबाने का काम कर रहे हैं। जो विकास हो रहा है, जो क्या रोड बन रही है, एमएमआरडी के क्रो बन रहे हैं, वो तो इसमें म्यूनसिपाल्टी को कहीं भी हाथ या उसको उसमें काम करने का मौका ही नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लक्ष्मी में चुनाव लड़ रही है, क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी का वल्गैरिटी का काम चल रहा है, हर जगह दादागिरी का काम चल रहा है, हर जगह के बड़ी मार कर रहे हैं, काम कुछ किया नहीं है। हिंदुत्ववाद, ये वाद, वो वाद, जातिवाद, हर वाद पे बीजेपी चल रही है। सर, आपके साथ महाराष्ट्र हनुमान सेना जो सहयोग कर रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनको सपोर्ट किया था गए इलेक्शन में, लेकिन उनको भी मालूम पड़ा कि इस देश में ये लोगों ने कुछ किया नहीं है, रोज़ झूठ बोलते हैं। तो राज ठाकरे भी तंग आके अपना उम्मीदवार भी नहीं देके इस देश को बचाने के लिए दूसरे पार्टी को वोट दे, बीजेपी को नहीं देना ऐसा ऐलान कर रहा है। इसका कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है? क्या कांग्रेस को फायदे का ये तो समझो, बीजेपी को वोट नहीं दिया तो हालांकि घूम फिरा के कांग्रेस का ही फायदा है, लेकिन वो एक्चुअल स्थिति बता रहे, जैसा वीडियो दिखा रहे, वीडियो लगा रहे, उससे लोगों को बता रहे क्या बोले थे, क्या किया, क्या करने वाले थे, क्या किया इन्होंने, वो छोड़ के तीसरा ही प्रचार कर रहे ये बता रहे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास हो पाए, कांग्रेस की क्या एजेंडा? कांग्रेस का जो 70 साल में एजेंडा था जिसके ऊपर ही आज बीजेपी चल रही है, आज मेरे हिसाब से तो जो मोदी जी आज घूम रहे हैं इस देश में, शायद वो विमान भी शायद कांग्रेस का ही खरीदा हुआ है। इस देश को आज़ादी भी नहीं, जब 20 टैंक भारत के पास थे, आज भारत के पास 4,500 टैंक थे, इतनी बड़ी मिलिट्री ये कांग्रेस ने बनाई थी। आज जो रोड है, टीवी है, टेलीविजन है, मोबाइल है, ये सब कांग्रेस ने लाए लाए। इसके बाद जितने सैटेलाइट छोड़े वो कांग्रेस ने छोड़े लिए, कांग्रेस के राज में हुआ है। वैज्ञानिक लोग अपना काम करते हैं, उसको बढ़ावा देने का हमेशा कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस इसमें कमज़ोर रही तो उसने आज तक मार्केटिंग नहीं की, और ये लोग जो है बीजेपी वाले सब मार्केटिंग वाले, तो इनका मार्केटिंग तेज होता है तो लोगों की नज़र में वो आ जाता है कि भाई ये लोग काम कर। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है कि शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में, ना तो बड़ा सभा को लेकर ना तो कुछ, क्या कारण रहा है, क्या कहेंगे इसके? ग्रामीण में हमारा बहुत सभा हुआ है कांग्रेस का, माणिकराव ठाकरे आए थे, नाना पटोले आए थे और कई दिग्गज नेता आ रहे, सब जगह प्रचार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई शहर में कोई बड़ी सभा नहीं हुई, ये नहीं हुई, हो सकता है कल भी और भी सभा है, आज रैली हो रही है, हर चीज़ में काम कर ही रहे लोग। और कांग्रेस का इतना खेकड़ी वाला काम नहीं रहता है कि प्राइम मिनिस्टर भी 3 सभा लेता था, ये प्राइम मिनिस्टर तो मेरे हिसाब से 300 सभा लेगा एक स्टेट में, इतना देश में 300 सभा मोदी जी का होगा, आज़ादी से आज तक ये नहीं देखने मिला, ये आज हम देख रहे हैं। सर, क्या कहेंगे लोगों को, खास करके आने वाला 29 तारीख, और वो लोगों को क्या कहेंगे जो इस समय छोड़कर गांव की ओर दिखते हैं? कांग्रेस का ये लोगों से मेरा ये अपील है कि कांग्रेस को जिताना चाहिए, फिर इस देश में शांति समभाव लोगों के बीच में एक दूसरे से अपनापन ये बंद हो गया है,
अभी कार्यकर्ता में लफड़ा हो रहा है, रोज मारामारी हो रही है, इधर का कार्यकर्ता उधर भगा रहे हैं, विचारवाद को बेचने का काम हो रहा है, विचार तात्विकवाद बचा ही नहीं है, पूरे शहर में वल्गैरिटी और यही माहौल। सर कल एक सीएम ने वक्तव्य दिया था कि राहुल गांधी का भाषण एक मनोरंजन का पात्र है, इसका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखो, राहुल गांधी वल्गैरिटी जातिवाद ये चीज पे नहीं बोलते। अभी इस देश में ऐसा हुआ है कि जो हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है वो हिंदू ही नहीं है, ऐसी ये लोगों ने धारणा बना दी है। अभी लोगों को नक्की करना है क्या कौन हिंदू कैसे नहीं कैसे, ये चीज इस देश में हो रही है। राहुल गांधी ऐसा कर्मठ नहीं, राहुल गांधी का भाषण रमेश साहब अगर ध्यान से सुने तो उसमें गरीबी के मुद्दे, जो मुद्दे इस देश को आज लग रहे, नौकरी का मुद्दा है, आज भारत दुनिया में सबसे जवान देश है, सब कम उम्र वाले लोग बहुत है और उनको रोजगार नहीं। कल उन्होंने बिहार में बताया कि भाई 27,000 रोजगार छोड़ने जा रहा है, क्यों जा रहा है तो रोजगार के जो साधन थे वो सब बंद हो रहे, कंपनियां बंद हो रही, प्राइवेट ठेके बंद हो रहे, इसका कारण भी बीजेपी है क्योंकि FDI नहीं आ रहा है भारत में, विकास नहीं हो रहा है, जो GDP है वो बहुत नीचे जा रहा है, जो बन बना के जो GDP दे रहे, जो आज सट्टा बजा रहे वही दिए थे। तो ये छगन पाटिल जी जिन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि वादे जो कोई भी करते हैं वो वादे पूरे होते हैं या नहीं, ये तो हर इलेक्शन अपना एक दबाव बनकर रह जाता है, पर ये आशा है कि चाहे कोई भी सरकार आए शहर के विकास का पहिया डोले, इन वक्तव्यों को छोड़ करके विकास पर ध्यान देने पाए, ऐसी ही सबके मन में संकल्पनाएँ हैं। जो कुछ भी कमी होंगे हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे, देखते रहिए इसे।